फ्रेंड्स, वेलकम टू माई शो मावरिको। स्टेट कोटा कट ऑफ में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये सारे स्टेट का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के लिए डिस्कस कर रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, स्टेट ओडिशा का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार। बेसिकली ओडिशा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कंपेयर टू 2019 हाई ही जाएगा। कितना हाई जाएगा ये इस वीडियो में बताऊंगा। और रैंकिंग क्या होगी, एम्स बीबीएसआर के बाद कौन कौन से कॉलेज आएंगे स्टेट में, ये पूरा डिस्क्राइब करूंगा मैं। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो रैंकिंग में सबसे नंबर वन पर तो हमारा एम्स बीबीएसआर ही आएगा, उसके बाद SCB कटक आएगा, उसके बाद आप देख रहे होंगे जिस तरह से मैंने रैंकिंग बनाई हुई है, कुछ इस तरह से रैंकिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर वॉज प्रिटी ईजी। दैट्स वाई इस बार का कट ऑफ लगभग, जैसा मैंशन किया मैंने, यहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी होती है, देर इज़ नो OBC कैटेगरी। जनरल प्लस OBC कैटेगरी का टोटल रिजर्वेशन 70% से ऊपर होता है, तो जनरल में ही सारा आ जाता है, SC ST, उसके बाद आता है EWS। तो बेसिकली कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके ओडिशा स्टेट का रह सकता है। डू नॉट कंपेयर दिस कट ऑफ विथ 2019। 2019 में सिचुएशन अलग थी, 2020 में आपको टाइम भी मिला है, पेपर भी ईजी आया है, तो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। मेरे कट ऑफ का मतलब कि उससे ऊपर कट ऑफ ना जाए, उसके नीचे वाले सिलेक्शन हो जाए, ये होता है। मीन्स मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।